राहुल गांधी का फटा कुर्ता तो याद होगा आपको। कैसे चुनाव में वोट पाने के लिए नोटबंदी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रहे थे और अपना फटा कुर्ता दिखाकर सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल के इस फटे हुए कुर्ते पर सबसे अच्छा जवाब दिया बीजेपी के सांसद हुकुम देव नारायण सिंह ने। कहूंगा अंत में इतना ही कहूंगा, नोटबंदी की चर्चा बहुत की है, किसान की बात बहुत की है, कल भी भर दिन चर्चा की है, आज भी उतने बात। नोटबंदी है कि हरि कीर्तन है आपका, जो जब जब संकट आए तो भगवान का कीर्तन करो, ढोल बजाओ। इसलिए जब से सुन रहा हूँ कितने दिन से, एक बार रामलीला के मैदान में वो अन्ना हजारे जी ने, अरे कोई नेता है दुनिया भर में ढोल पीटने वाला, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो उसमें कीर्तन करता था और सवेरे से शाम तक ढपट 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 ढोल बजावे, लोग तंग आ गए। तो हम लोग पार्लियामेंट में कहा, अरे किसी तरह ही ढपढपा को बंद करो, किसी तरह बंद करो, ढपढपा बंद कराए। उसी तरह जब से ये 8 तारीख शुरू हुआ, 8 नवंबर से, जब देखिए जिधर देखिए क्या है, नोटबंदी नोटबंदी, किसान को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, गरीब को, मजदूर को, हम तो किसान हैं। 2000 रुपया हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में 2000 रुपया महीना से ज्यादा नकदी किसी किसान के घर का नहीं है। चावल अपना, दाल अपनी, गेहूं अपना, सब्जी अपनी, दूध अपना, दही अपना, हमारे पास पैसा लेके क्या करेंगे, पैसा कूट के खाएंगे। हमको तो 2000 में महीना चलता है, 4000 रुपया का बदली आया कि बदल लो, किसी तरह बचा के 4000, 2000, 5000 रुपया घर में रखे थे, एक दिन में बदल के ले आए और 3 महीना 4 महीना तक घर में 6 महीना तक खर्चा चलाए। कलेजा फटता है उनका, कलेजा फटता है उनका जो 5 स्टार होटल में जाते थे, राजा रानी रहते थे, उस सूट का किराया एक दिन का 1 लाख 1.5 लाख। एक होटल में मैं गया तो कहा यहाँ एक सूट है उसका 5 लाख एक रात का किराया है। मैंने कहा चल भैया थोड़ा दिखा दे कि उसमें क्या है। मैं गया तो मैं पूछा इसमें रहने वाला मरता है कि नहीं, तो कहा मरता तो सब है। हम कहा जब इसमें भी मरना है तो इसी में आके कहाँ मरेंगे, इतने बड़े घर में भगवान भी डर जाएंगे। इसीलिए उस झोपड़ी में रहने वाले की बात करिए, आप उनकी बात करते हैं जो पैसा खर्चते नहीं है, पैसा को फूकते हैं, आप उनकी बात करते हैं जो पैसा खर्च नहीं करते हैं, पैसा को उड़ाते हैं, पैसे को लुटाते हैं। एक बार इसी सदन में चर्चा हुई, इतने पैसे उतने पैसे चर्चा में आई, एक मेरे साथी, संजोग से मैं नाम नहीं कहूँगा, वो बड़े हैं, एक दिन उनके पास गए तो वो बोतल निकाल के पीने लगे। हमने कहा कौन शरबत है, तो उन्होंने कहा बिलायती है, विदेशी। हम कहा विदेश में भी शरबत बनता है, इसकी कितनी कीमत है, तो 45,000। मैं दिमाग में जोड़ने लगा, बाप रे बाप, 45,000 का शरबत तो जीवन में नहीं पी पाएंगे ये एक बोतल। तो आपको उनकी चिंता है जो 45,000 के बोतल का शरबत पीते हैं, उनका क्या होगा, अरे उनका क्या होगा, बहुत मौज उड़ाए हो, बहुत मस्ती किए हो, देश का खजाना लूटे हो, लुटवाए हो, बांट करके खाए हो, नरेंद्र मोदी आएगा, ऐसा ताला लगाएगा कि सबका दिवाला निकल जाएगा, गांव गरीब किसान मजदूर खुशहाल और अमीर बन जाएगा, उसके बेटे के चेहरे पर लाली आएगी, उनके घर में खुशहाली आएगी। इसलिए हम वो नेता नहीं है जो नाटक करते हैं। सिनेमा में एक हीरो आता है, हल चलाता है, कंधे पर जुआ रखता है, एक तरफ बैल को जोतता है और फटे कपड़े फाड़ के, जिस अच्छे कपड़े को फाड़ के लैला मजनू का खेल करता है, उसी तरह राजनीति में लैला मजनू का खेल है। फटा कपड़ा लेकर मंच पर लोग दिखाते, मेरा फटा है, अरे फटा है, लेकिन वो क्या दिखा रहे हो, बोलो ना बचपन में क्या फटा था। हम तो बचपन में फटे कपड़े पहने थे, हम जिस समय थे उस समय ये जीन्स फिंस ये पैंट पतलू नहीं था, हम तो जो अंडर पैंट पहनते हो आप वो डोरी वाला पैंट पहनते थे, अब बोरे की टाट पर बैठते थे, गांव में बैठ के बासी भात खाते थे, जन्म लेते हो राजा घर में, पलते हो रानी के महल्ले में,
जाते हो कहीं विदेश में, पढ़ के आते हो कहीं से कहीं, और किसी के बारे में आप नाटक करते हो। इसलिए आपसे, आप इस बात को समझिए। सभापति महोदय, मैं इस देश के उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो आदमी अपने नाटक के द्वारा, अपने नाटक के द्वारा अपने भ्रम फैलाते हैं, या हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान पिछड़ों को ठगना चाहते हैं। अब गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा भी चालाक है, तेज है, पढ़ा लिखा है, लैपटॉप रखता है, कंप्यूटर रखता है, मोबाइल रखता है, वो भी नेट पर सब कुछ को देखता है, और एक एक नेता की जन्म से लेके मरण तक की कहानी निकाल के पढ़ लेता है गूगल के मार्फत से। इसलिए हम किसी को धोखा नहीं दे सकते।